वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतीक कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी महिलाओं के गर्भाशय में कैंसर हो जाता है जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी महिलाओं को यह पता नहीं होता है कि गर्भाशय में कैंसर के हो जाने के क्या कारण होते हैं, जिसकी वजह से जिन कारणों से गर्भाशय में कैंसर होता है, काफ़ी महिलाएं उन चीज़ों से बचाव नहीं कर पाती हैं जिसकी वजह से उनके गर्भाशय में कैंसर हो जाता है। और भाइयों, वक्त पर सही इलाज न मिल पाने के कारण कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल जाता है जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं के गर्भाशय में कैंसर के हो जाने के क्या कारण होते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा फैट युक्त खाद्य पदार्थों को खाने से मोटापा आ जाता है जिससे गर्भाशय का कैंसर हो जाता है। जिन महिलाओं का पीरियड्स 12 वर्ष की आयु से पहले शुरू हो जाए तो उन महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर हो जाता है। शुगर की बीमारी में गर्भाशय का कैंसर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में गर्भाशय का कैंसर हो जाता है। शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में असंतुलन होने के कारण गर्भाशय का कैंसर हो जाता है। जो महिलाएं कभी भी गर्भवती नहीं हुई हों तो उन महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर हो जाता है। जिन महिलाओं के परिवार में महिलाओं के गर्भाशय में कैंसर होने की फैमिली हिस्ट्री होती है तो उन महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर हो जाता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। और भाइयों, अगर मेनोपॉज 50 साल की उम्र के बाद होता है तो गर्भाशय का कैंसर होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो भाई, उन सभी कारणों से महिलाओं के गर्भाशय में कैंसर हो जाता है। भाई, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों, आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।